राजस्थान में ऐसा लगने लगता है कि कोरोना के मामले संभलने लगे हैं तो एक बार फिर से रिकॉर्ड मामले सामने आ जाते हैं। 202 मामले बुधवार को आए हैं जो अब तक का सबसे हाईएस्ट कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है। हमारे साथ हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये ऐसा लग रहा था कि कंट्रोल में, लेकिन अचानक से 202 आ गए एक दिन में। ये जो प्रवासी राजस्थानी और माइग्रेंट लेबर्स और जो लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में जो लोग अटक गए थे, ये पहले से ही एस्टिमेटेड था कि जब वो आएंगे तो चाहे उनकी हम स्क्रीनिंग भी कर लें, लेकिन रेड जोन से आ रहे हैं, किन कंडीशंस में आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग वो आए हैं जो महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहाँ पर सर्वाधिक प्रकोप है इस महामारी का, तो उन इलाकों से जब लोग यहाँ आएंगे तो फिर ये संभावना पहले से ही थी कि ये पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे। अब जो लोग, जो जिले ग्रीन जिले थे, हमारे जालोर है, सिरोही है, पाली में भी इक्का दुक्का केस थे, 12 में, और हमारा ये जो झुंझुनू एक तरह से नेगेटिव हो गया था, राजसमंद के अंदर कोई केस था ही नहीं, तो हमारे 6-7 जिले जो ग्रीन जोन में थे अब वो सब ऑरेंज जोन में आ गए और कुछ उसमें से रेड में भी जाने वाले हैं। तो ये परिस्थितियाँ, 19 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें से 14 लाख लोग तो आने वाले, और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी आए हैं, उनकी संख्या भी लाखों में है। तो जब 20 लाख लोग लगभग प्रदेश के अंदर आएंगे तो पॉजिटिव केसेस की संख्या तो बढ़ेगी। हमने जांच की सुविधा बढ़ाई है, अब 12,000 के पार चलेगी हमारी पर डे जाँच की कैपेसिटी, लेकिन पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे इस बात को मैंने पहले ही बता दिया था। तो अब परिस्थिति, कल पूरे जिला कलेक्टर्स को, राज्य के पूरे प्रशासन को मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डायरेक्शन दिए हैं कि भाई प्रवासी जो भी आएंगे, ठीक है, ये परेशान होके यहाँ आ रहे हैं, एक बार घर जाने की आदमी की जब इच्छा होती है तो उस, तो इनका कसूर नहीं है। अगर मान लो इनमें से कोई संक्रमित व्यक्ति भी है, फिर भी उन्होंने डायरेक्शन जारी किए कि जो भी ट्रेन से आए, बसों से आए, इनका वेलकम करो, ये खाने की व्यवस्था करो, चाय पानी की व्यवस्था करो, और इनको किसी तरह से तकलीफ नहीं हो, अपने गांव में पहुंच जाए, लेकिन गांव वाले लोग इनसे संक्रमित नहीं हो, उसके लिए पर्याप्त क्वारंटाइन फैसिलिटी पूरे राजस्थान में डेवलप हो। जिन जिन लोगों को घरों में सुविधा है होम आइसोलेट करने की, 2 गज की डिस्टेंस मेंटेन कर सकें, पर्याप्त रहने की जगह है, और अड़ोसी पड़ोसी गारंटी दे दें कि भी हम इनको 14 दिन का जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ने नहीं देंगे, खुद भी वो शपथ पत्र दे दें, उनको होम क्वारंटाइन किया जाए। जिन लोगों के घर नहीं है या पर्याप्त जगह नहीं है घरों में, उनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था करने के डायरेक्शन दिए। गाँव में एक कमेटी बनाई गई, SDO लेवल पर कमेटी बनी है, जिला लेवल पर कमेटी बनी है, और यहाँ भी 6-7 IAS अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी देके, और हमारी जो ACS है श्रीमती विनू गुप्ता जी, उनको इस काम का क्वारंटाइन का जिम्मेदारी पूरे राजस्थान के लिए दी गई है। ये 4 तरह की व्यवस्था है। राजस्थान में जो 14 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड कराया है आने के लिए, उसमें से करीब करीब 8 लाख मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात के हैं जो सर्वाधिक प्रभावित है, वहीं से पॉजिटिव भी आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि केसेस बढ़ेंगे, क्या इतनी फैसिलिटी 8 लाख के आसपास डेवलप कर पाएंगे, आप लोग कैसे कंट्रोल? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने परसों ही डायरेक्शन जारी किए हैं, एक अलवर में आप टेस्टिंग फैसिलिटी जल्दी से जल्दी शुरू कर रहे हैं हम, उसके बाद नागौर में पाली की जो टेस्टिंग कैपेसिटी उसको हम डबल कर रहे हैं, सिरोही में टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू करने की कहा गया है, जालोर में टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू करने की कहा गया, बाड़मेर में ऑलरेडी हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी है, और जोधपुर की टेस्टिंग फैसिलिटी कोबोस मशीन 8800 वो हमारी 25 तारीख तक आ जाएगी, जिसमें 4,500 टेस्ट पर डे हम कर सकते हैं। तो आज 1,500 से 2,500 टेस्ट करने की कैपेसिटी तो हमारी है अभी भी जोधपुर में, ये 4,500 टेस्ट पर डे हो जाएंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि 7,000 टेस्ट तो अकेले जोधपुर में हो जाएंगे। तो जोधपुर डिवीजन में ही ज्यादा प्रवासी राजस्थानियों का आगमन होना है, और इसके अलावा चित्तौड़ में डेवलप करने की बात हुई है, बांसवाड़ा में डेवलप करने की बात हुई है, ज्यादातर जगह पर कैसे टेस्टिंग फैसिलिटी, जो चीफ मिनिस्टर का शुरू में ही सोच था कि राजस्थान के हर जिले में हम टेस्टिंग फैसिलिटी, तो हमारे पास विकल्प नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सैंपल लें,
और ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो ताकि पॉजिटिव केसेस को हम अलग कर सकें, चाहे उनको कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर सकें, जो क्रिटिकल है उनको कोविड हॉस्पिटल में कर सकें, और जो क्रिटिकल नहीं है, जिनके पास जगह नहीं है उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखें, और जिनके पास जगह है उनको होम क्वारंटाइन में। इससे हटकर आज जो केंद्र सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए पैकेज देने जा रही है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों का पैकेज को लेकर? देखिए, जो कुटीर उद्योग है गाँव में, आज गाँव में जिस तरह 50 दिन के लॉकडाउन की वजह से हमारे जो नाई है, बढ़ई है, लोहार है, खाती है, मोची है, ये जो छोटा छोटा काम करने वाले लोग हैं, शहरों में चेहरे रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, या टैक्सी ड्राइवर है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो कंडक्टर या ड्राइवर रहते हैं, उन लोगों को जो किसी भी योजना के कवरेज में नहीं आते हैं, आज उन लोगों को भारत सरकार को उनको भी देखना पड़ेगा कि उनको कैसे पर्याप्त राशन मिले, उनको कैसे आर्थिक सहायता मिले इस बुरे दौर में, और जो छोटे छोटे उद्योग हैं उन उद्योगों को पनपाने की योजना बननी चाहिए। छोटे हैं, मझोले उद्योग हैं, अभी पैकेज तो आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, धरातल पे क्या असर आता है, असली बात तो वो है। यह स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जो कह रहे हैं कि केसेस बढ़ेंगे, जिस तरह से बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थान आ रहे हैं, ऐसे में बाहर से आने वाले जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनको हम रोक नहीं सकते, उनका इलाज ही कर सकते हैं, उसकी हम पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं। कैमरा रघु शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।